अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का मौजू है YouTube की वीडियो का थंबनेल किस तरह डिज़ाइन किया जाए बगैर किसी सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम खोल लेना या जो भी ब्राउज़र हो आपके पास, उसके बाद आपने सर्च इंजन में आ जाना। सर्च इंजन में आने के बाद आपने canva.com पे जाना, canva.com, canva। उसके बाद ये फर्स्ट वाला लिंक आपने खोल लेना है। ओपन बिट करके मैं खोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे इस तरह से एक पेज आपके पास आ जाएगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये लॉगिन का बटन जो है इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक। कुछ इस तरह से आ जाएगा, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगेगा। आपके पास या तो फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए या तो जीमेल का यानी गूगल का अकाउंट होना चाहिए। मेरा गूगल का है तो मैं गूगल के अकाउंट के जरिए लॉगिन कर रहा हूँ। उसके बाद अकाउंट सेलेक्ट करना है आपने, फिर परमिशन मांगेगा, एक ईमेल एड्रेस की है, दूसरी कॉन्टैक्ट्स की है, तो हम इसे अलाउ कर देते हैं। ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, इसके जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं कि आप अपना एक अच्छा थंबनेल जो वीडियो का वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ना सिर्फ थंबनेल बाकी दीगर डिज़ाइन भी, अगर आपको कंप्यूटर अच्छा चलाना नहीं आता तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। हम एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश करते हैं, इसे अकाउंट से कम्युनिकेट करने में आई थिंक प्रॉब्लम हो रही, तो दोबारा गूगल पे हम सेलेक्ट करते हैं। और आपको एक बार में भी ये लॉगिन कर सकता है, मेरा अकाउंट बार बार वेबसाइट पे लॉगिन लॉग आउट हुआ है, शायद इस वजह से मुझसे ये परमिशन कह रहा था मसला। तो जब आप अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास शो होगा आइकन। तो आपने क्या करना है, कस्टम डायमेंशन पे आना है, यहाँ साइज मेंशन करना है, और ये साइज आप अपने जहन में रखिएगा, साइज है 90x20 और इसकी जो हाइट है वो 1080, ये हमारा पिक्सल का साइज है। तो हम डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, क्रिएट, ये हमें यहाँ पर लेकर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए टाइम बहुत ही मुख्तसर मैंने रखा है, तो इसलिए आप लोग इसके सारे ऑप्शन मैं आप लोगों को बारी बारी दिखा देता हूँ, लेकिन बनाने आप लोगों ने खुद से ही हैं। मैं यहाँ से आप लोगों को जस्ट एक एक ऑप्शन जो है वो इंसर्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आप यानी कि अपने वीडियो के हवाले से जो भी आपको एलिमेंट्स चाहिए हो, माउस चाहिए हो, कीबोर्ड चाहिए हो, जो भी आपका टॉपिक है, मुझे मैं लिख देता हूँ कप, CUP कप। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ कप के हवाले से जो फ्री होंगे वो फ्री में शो करेगा, और जब आप अकाउंट अपग्रेड कर लेंगे तो आपसे पैसे भी मांगेगा। देखिए $1 इस तरह से ये आपको एलिमेंट शो करेगा। एलिमेंट किस तरह इसमें इंसर्ट करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ, इस पर आपने क्लिक करना है और ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा सिंगल क्लिक पे। उसके बाद इसका साइज बहुत बड़ा है, साइज छोटा करना चाहें तो ये रिसाइज के लिए दिया हुआ टूल, तो छोटा कर लेंगे तो ये इस तरह से छोटा हो गया। और इसे डिलीट करना है तो ये लास्ट में देखें डस्टबिन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट का है, इसी तरह से टेक्स्ट भी इंसर्ट होंगे, मैं करके दिखा देता हूँ। ये वी आर हैविंग अ बेबी गर्ल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद इसमें आप डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कीज इस्तेमाल करते हैं वही सारी कीज हम लोग यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बारी बारी ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके टेम्पलेट सेलेक्ट करके उस पर डिज़ाइन बनाऊंगा, तो इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, आपने देखा कि मैंने डिलीट किया तो ये सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा डिलीट हुआ, उसकी वजह ये थी कि मैंने यहाँ ग्रुप डिलीट नहीं किया। जब मैं इसे ग्रुप डिलीट करूँगा तो ये पोर्शन में है, पार्ट वन ये है और पार्ट वन टू ये है, इसके ऊपर वाला पार्ट वन था, ये पार्ट टू, ये पार्ट थ्री। अब मैं एलिमेंट डिलीट करूँगा तो सिर्फ ये वाला हिस्सा डिलीट होगा, और अगर मैं करूँगा ग्रुप डिलीट तो ये पूरा हिस्सा डिलीट, देख सकते हैं आप डिलीट हो चुका। तो बैकग्राउंड है, जो मर्जी आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और प्रीमियम भी है। और उसमें अपलोड यानी कि अगर आपके पास वीडियो की कोई थंबनेल रखा हुआ है तो आप वो भी इसमें अपलोड कर सकते हैं, और साथ ही फोल्डर या फोल्डर बनाकर भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो वीडियो का थंबनेल है, तो उसके हवाले से ये एक ट्यूटोरियल मुझे अच्छा लगा है, इसका टेम्पलेट मैं इसी के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो आपको जो बेहतर लगे आप इस पर काम कर लीजिएगा। मैंने यहाँ ये सोशल मीडिया लिखा हुआ, स्ट्रेटजी हाउ टू डिजाइन वीडियो थंबनेल
ये मैंने लिख दिया इसमें हाउ टू डिजाइन वीडियो थंबनेल। उसके बाद मैं यहाँ इसे बाय लिख देता हूँ और इसे छोटा कर देता हूँ साइज में। इसका कलर जो है बैकग्राउंड, ये भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे आपको बेहतर लगे। मुझे इस वक्त जो इसका कलर है वो ट्रांसपेरेंट मैं इसमें रखूंगा, क्योंकि इसमें मैं जो क्लिप आर्ट वगैरह कुछ अपलोड करूंगा तो ये प्रॉब्लम ना करे, मैं इसीलिए इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट रखूंगा। तो जो आप लोगों को बेहतर लगे कलर आप लोग वो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इसे छोटा कर देता हूँ और यहाँ लिख देते हैं लाइट। दोस्तों ये बहुत ही एक आसान तरीका है जिसमें आप प्रोफेशनल तरीके से अपना वीडियो का एक अच्छा सा टेम्पलेट जो थंबनेल है वो डिजाइन कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। और इसके हम कर देते हैं डिलीट। तो डिलीट के लिए हम यहाँ आएंगे और फिर इसे डिलीट, और ये जो बाय है आफ्टर देन इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम इसे यहाँ लेकर आ जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर / ऑनलाइन, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं ये ऑनलाइन यानी कि नेट के जरिए हो रहा है, तो ये भी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ। जी दोस्तों ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि टेम्पलेट तकरीबन डिजाइन हो चुका है। और इसमें अब हमने क्या करना है, अपने जो थंबनेल जो के लिए जो हम क्लिप आर्ट होते हैं वो इसमें सिर्फ अपलोड करने हैं, बाकी डिजाइन रेडी है। ये कलर है, इसको मैं ट्रांसपेरेंट रख रहा हूँ बगैर किसी कलर के, आप लोग चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी कलर इंसर्ट कर सकते हैं। और अपलोड आप किस तरह से करना है, ये अपलोड का जो टैब है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे जो भी आप लोगों ने अपलोड करना है। मैं YouTube का लोगो मैंने निकाला हुआ है वो अपलोड कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट के बटन से मैंने इस बार डिलीट किया और मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ इमेज पे। तो ये आपका कंप्यूटर आप लोगों को दिखाएगा कंप्यूटर के जरिए आप लोगों ने किस तरह से अपलोड करना है, दिखा रहा हूँ आप लोगों को अपलोड करके ताकि वीडियो प्रॉपरली समझ में आ जाए आप लोगों को। देखें पहले से एक था मेरे पास तो एक दूसरा भी मैंने अपलोड किया है, इस वक्त मैं ये वाला इंसर्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो इंसर्ट हो रहा है। तो इस तरह से हमने इसे सेलेक्ट करके अपनी मर्जी की जगह जहाँ हम लोग चाहेंगे, जहाँ आप लोगों को बेहतर लगे अपनी वीडियो में, आप लोग इसे वहाँ रख सकते हैं। उसके बाद मैं एक ये डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखा है विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, तो ये एक सॉफ्टवेयर की डिस्क बनी हुई है, इससे एक अच्छा इंप्रेशन भी आ रहा है, इसीलिए मैं ये यहाँ इसे सेट कर रहा हूँ। और यहाँ ये इसकी जगह भी आई थिंक परफेक्ट है। इसके बाद हम लोग इसके अंदर में एक और क्लिप आर्ट जो है वो ऐड करूंगा, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम काम कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सारी चीजें निकाली हैं हमने, तो इसके लिए मैं यहाँ फ्री भी लिख देता हूँ। इसके लिए सिर्फ आपकी स्किल्स आपके साथ होनी चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए, बाकी सारी चीजें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आ गया फ्री ऑफ कॉस्ट का लोगो। तो इस तरह से हम लोग अपनी इसके ऊपर काम करेंगे और बगैर किसी पैसों के हमने ये एक अच्छा सा प्रोफेशनल जो है वो डिज़ाइन बना लिया। अब इस डिज़ाइन को हम सेव किस तरह करेंगे, याद रखिएगा ये डिज़ाइन हम PNG फाइल में सेव करेंगे, JPG में भी कर सकते हैं, बट बेस्ट वे जो है वो हमारे लिए वो इस वक्त ये मैं कलर ये चेंज कर रहा हूँ, बेस्ट वे हमारे लिए वो PNG है, ताकि आप जब अपलोड करें तो उस वक्त मसला ना हो। जी दोस्तों तो ये डिजाइन मुकम्मल हो चुका है, आप देख सकते हैं हाउ टू डिजाइन वीडियो थंबनेल। उसके बाद मैंने लिखा है विदाउट एनी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन और नीचे यूट्यूब का लोगो दिया है क्योंकि मोस्टली वीडियो जो वो यूट्यूब पे के लिए अपलोड होती है। और इसको मैं देख के यहाँ कलर इसके दे देता हूँ येलो, तो ये मैंने इसको दे दिया कलर, जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग वो दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इसको डिजाइन के उसमें वो दिया है, बाकी आप लोगों को जैसा बेहतर लगे आप लोग उसको वैसे बना सकते हैं। तो अब आगे बारी इसको सेव करने की, आप लोगों ने जस्ट यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और ये फाइल आपसे पूछेगा हाई क्वालिटी। देख रहे हैं आप, मैंने आपसे कहा था कि PNG में इसीलिए कहा था कि हाई क्वालिटी की जो फाइल है फ्री में आपको सिर्फ PNG में मिलेगी, इसीलिए आपने डाउनलोड पे क्लिक करना तो ये डायरेक्ट डाउनलोड पे आ जाएगा ये।
और एक दफा प्रीव्यू इसका ले लीजिएगा, यानी कि जब सेव हो जाए, ये देखें सेव का पूछ रहा है, मैं डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करके इसको सेव करता हूँ और फिर इसका प्रीव्यू ये यहाँ जो सेव होगा ये देख लेते हैं कैसा है। दोस्तों ये देख सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मुझे, आप लोग अपने कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा मुझे किस तरह से आप लोगों ने बनाया है, कैसा बनाया है ये। मैंने जो बनाया है वो ये आ गया ऑल द बेस्ट के नाम से। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसको किस तरह से अपलोड करते हैं और अपलोडिंग में कौन से एरर आते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अस्सलामु अलैकुम।